जी शेख, मेरा एक अगला सवाल ये था कि आजकल मुसलमान लड़कियों में ये एक ज़्यादा ट्रेंड पे चला गया है कि असल में एक मुसलमान खातून को डॉक्टर बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो वो सारे शरई रूल तोड़ के MBBS कर रही होती हैं। शेख, मैं जहाँ इंडिया में रहता हूँ, कर्नाटका में, वहाँ पे यहाँ हाल ऐसा है कि मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ ऐसे तौलिया जैसे बांधने का अलाव है शेख, अबाया तो नहीं है। तो फर्द किफाया के नाम पे बहुत से शरीयत रूल्स टूटते हैं शेख, उसका ख्याल ना वो खवातीन करते हैं और ना ही उनके माँ बाप। तो ऐसे चीज में उसको जायज है क्या शेख? ऐसे मतलब सब वो सब हाँ, हम लीव कर सकते हैं क्या रूल्स को? ये आपने बहुत जबरदस्त बात कही है कि जी फर्ज किफाया या सुन्नत या मुस्तहब या किसी तरजीही अमल की बुनियाद की वजह से किसी हराम अमल का इर्तिकाब करना और इस चीज को जायज समझना, ये गलत है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी ये कहे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद की परेशानी है, सुबह मुझे फजर में उठना होता है, अब मैं देर में सोऊंगा तो फजर में कैसे उठूंगा, चलो थोड़ी सी ड्रग्स पी लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ तो सुन हो जाऊंगा, जल्दी नींद आ जाएगी। तो अब फजर में उठने की नीयत से एक आदमी रात को 9 बजे शराब पी ले ताकि जल्दी नींद आ जाए, तो क्या ये दुरुस्त होगा? जबकि फजर में उठना फर्ज किफाया नहीं, फर्ज ऐन है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही अगर कोई ये कहे कि जी मुस्लिम फीमेल डॉक्टर्स का होना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फर्ज किफाया है, तो खाली डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना फर्ज किफाया नहीं, अपने कॉलेजेस बनाना, अपने निजाम कायम करना, ये फर्ज किफाया है। जब आपके अपने कॉलेजेस अपने निजाम होंगे तो जबरदस्त, वहां से फिर आपकी डॉक्टर्स निकलेंगे ना, तब फर्ज किफाया पूरा बिल्कुल होगा। मैं एक ऐसे कॉलेज को, मुस्लिम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को जानता हूँ, इत्तेफाक से मैं वहां गया टूर के लिए इंडिया में ही, और जब क्लास में जब मुझे वो बिल्डिंग का टूर करा रहे थे वो कॉलेज के जिम्मेदारान, जी तो क्लासरूम से हमारा मेरा गुजर हुआ तो कुछ लेक्चर्स चल रहे थे, तो मैंने देखा कि क्लासरूम में एक तरफ लड़के बैठे हैं, एक तरफ लड़की, और ये मुसलमानों का कॉलेज है, तो ख्वातीन के बुरके सब दीवार पे टंगे हुए हैं। तो मैंने उन साहब से कहा कि भाई ये बुरके आपके आपने दीवार पे क्यों टंगवा रखे हैं, ये तो इनके जिस्म पे होने चाहिए थे आपके कॉलेज में। तो वो कहने लगे, अरे मुफ्ती साहब सब चलता है, चले आगे चले। तो भाई जब मुस्लिम कॉलेजेस का ये हाल है तो फिर ये फर्जी किफाया फर्ज ऐन की बहस करना छोड़ दें, अभी तो ये बहस होनी चाहिए कि क्या हलाल है और क्या हराम है, पहले इसकी तो तमीज पैदा कर लें हम। जी शेख, अब जो करंट सिचुएशन यहाँ पे ऐसा है कि असल में शरई रूल्स को फॉलो करके मेडिकल का डिग्री तो हासिल करना मुश्किल है शेख, ऐसा नहीं कहना है ये दुरुस्त नहीं होगा कि इम्पॉसिबल है शेख, क्योंकि जी बोलिए। भाई, आपके अगर अपने कॉलेजेस हैं और वो एक ऑटोनोमस बॉडी है तो क्यों इम्पॉसिबल है? नहीं शेख, अब देखिए मिसाल के तौर पे MBBS स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप बना के उनको कहीं पे क्या बोलते हैं विलेजेस को लेके जाते हैं कि आप ये टेस्ट करके आए, ये फैमिलीज में जाकर, और वहाँ पे ये देखा नहीं जाता कि लड़कियों को ग्रुप बनाते हैं और लड़के का अलग बनाते हैं, मिक्स कर देते हैं शेख, ऐसे बहुत से नाजायज चीज़ें होते हैं मैं वहाँ, समझ तब रहा भी हूँ। परमिसिबल दे देते हैं क्या? अगर आप जी इमेजिन कीजिए, अगर आपका कॉलेज हो, अभी आपको मैं कॉलेज दे बिल्कुल दूं, आप जी जिम्मेदार हैं और आप ये प्रॉब्लम समझते हैं, क्या आप इस जी तरह की ग्रुप अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं शेख, बस बात खत्म हो गई। बिल्कुल जब आप हमारे कॉलेजेस के जिम्मेदारान ऐसे हैं कि वो लड़कियों के बुरके दीवारों पर टंगवा रहे हैं, ठीक है, खूंटों पर जी लटका रहे हैं, और उनको हराम और हलाल की तमीज नहीं है, तो फिर आप जी उनसे ये कैसे तवक्को करेंगे कि जो वो ग्रुप बनाए वो मिक्स ग्रुप ना हो? वो तो बहुत छोटी चीज है, बिल्कुल बात ये जी, है ना। ठीक ठीक, समझ जी, समझ गया शेख। चलें बताओ। नहीं, आखिर में शेख, मतलब बहुत अगर महीनों सारे से सिर्फ हो गए अब इंशाल्लाह। जी एक बस एक स्टेटमेंट शेख, बस एक जी स्टेटमेंट था। इस्लाम में ऐसा, मैं कहीं पे अगर कुछ डिस्कशन करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इस्लाम में मियाँ और बीवी इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, कि ओनली फाइनेंशियल पे नहीं, सब चीज़ों पे, किसी भी मसले में। देखें, जहां तक मैं समझता हूं कुछ मामलात में यकीनन शोहर जो है वो डिपेंडेंट होता है बीवी के ऊपर, लेकिन ज्यादातर मामलात में बीवी डिपेंडेंट होती है शोहर के ऊपर, न सिर्फ फाइनेंशियल जी मामलात में बल्कि दीगर मामलात में। अखलाकी जी एतबार से अगर आप ये कहें कि मियाँ बीवी इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो ये एक अखलाकी जाब्ता तो हो सकता है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने का, लेकिन जो एक जी लीगल जाब्ता है वो ये है कि बीवी वो डिपेंडेंट है अपने शोहर के ऊपर।
जी ठीक, जजाकल्लाह खैर शेख आपका, सर सबको सलाम, सलाम अलैकुम।